लंबे संघर्ष के बाद आज पद्मावत रिलीज हो गई। करणी सेना की धमकी को नजरअंदाज करके लोग फिल्म देख रहे हैं। अगले कई दिनों तक शो की टिकट बिक चुकी हैं। हमारी टीम ने फिल्म देखी और ये जानने की कोशिश की कि किस बात पर करणी सेना इतना उत्पात मचाए हुए है। एक मिनट के लंबे डिस्क्लेमर के साथ फिल्म शुरू हुई। फिल्म शुरू होती है अपने चाचा जलाउद्दीन खिलजी को मारकर दिल्ली की शाही गद्दी पर बैठने वाले अलाउद्दीन खिलजी से। खिलजी हर बेशकीमती चीज को पाना चाहता है। मेवाड़ से निकाले गए राजपुरोहित चेतन राघव उसे मेवाड़ की रानी पद्मावती को नायाब बताते हुए हासिल करने के लिए उकसाता है और इसके बाद शुरू होती है राजपूतों और खिलजियों के बीच लंबी जंग। पूरी फिल्म में खिलजी रानी पद्मावती की एक झलक पाने के लिए उतावला दिखता है। अब फिल्म का वो हिस्सा है जिस पर करणी सेना का विरोध है। फिल्म का एक हिस्सा जिसमें खिलजी को शीशे में से रानी पद्मावती की झलक दिखाने की बात मानी जाती है, वहां भी एक क्षण के लिए घूंघट में दिखाकर पर्दा बंद कर दिया जाता है। बाद में खिलजी ये भी बोलता है कि एक झलक दिखाने के नाम पर तुम राजपूतों ने मेरे साथ धोखा किया है। इसके अलावा पूरी फिल्म राजपूतों के गौरव और खिलजियों के झक्कीपन को दर्शाती है। फिल्म में ऐसा कोई भी फ्रेम नहीं है जिसमें खिलजी और रानी पद्मावती साथ हों। फिल्म बहुत अच्छी है लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। फिल्म शुरुआत में धीमी है जिसके चलते दूसरे हाफ में काफी तेजी है। जिन सीन में थोड़ा ठहराव होना चाहिए उन्हें तेजी से निपटाया गया है। इसके अलावा फिल्म बहुत ज्यादा अंधेरे में शूट की गई है। 3D में देखने पर आपको सीन समझने में थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ सकती है। बॉलीवुड की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।